नागपुर के पाँचपावली पुलिस थाना अंतर्गत L&T फाइनेंस कंपनी का एजेंट बताकर चोरी करने का प्रयत्न किया गया था, पर वादी उनके झांसे में न आने से उन्होंने जबरन 2000 रुपए छीनकर तीनों आरोपी फरार हुए थे। इस मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों से 84,000 रुपए का मुद्देमाल जब्त कर लिया है। पाँचपावली पुलिस थाना अंतर्गत वादी परितोष निराई मन्ना पाँचपावली पुल से गोलीबार चौक की तरफ जा रहे थे। इस दौरान पीछे से आए तीन लोगों ने उनकी गाड़ी रोकी और L&D फाइनेंस कंपनी से होने का दावा किया और उन्हें बताया कि आपने अपनी गाड़ी का हफ्ता नहीं भरा है तो गाड़ी हमें दे दीजिए। लेकिन जब वादी ने गाड़ी देने से इनकार कर दिया तब उन्होंने जबरदस्ती 2000 रुपये छीन कर भाग गए। इस मामले में पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से तीनों के मोबाइल, आरोपियों की सिल्वर रंग की दोपहिया गाड़ी और चोरी किए हुए 2000 रुपए, ऐसा कुल 84,000 रुपए का मुद्देमाल जब्त कर लिया गया है। VKB न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदही चौहान की रिपोर्ट। दिनांक 28/8/2022 निराई मन्ना 40 वर्ष राहणार उप्पलवाडी सुरादेवी स्वराज टाउन पोलीस स्टेशन कोराडी नागपूर हे त्यांचे कामावर जात असताना कमाल चौक ते पाचपावली ब्रिज दरम्यान त्यांचा पाठलाग करून येथील आरोपी त्यांनी पाचपावली ब्रिजवर त्यांना अडवलं आणि त्यांना सांगितलं की आम्ही फायनान्स कंपनी L&T फायनान्स कंपनीचे माणसं आहोत आणि त्यांनी इन्स्टॉलमेंट भरलेले नाही आहे वाहनाचे, दुचाकी वाहनाचे, त्यामुळे तुम्ही ती गाडी द्या आणि पैशाचे इन्स्टॉलमेंट भरा। त्यावर त्यांनी नाही सांगितलं, त्याला संशय आला क्लिअर दिला की नेमकं काय प्रकार आहे म्हणून, त्यांनी नाही म्हणून सांगितलं असता त्याच्यावर बळजबरी करायला लागले तीन आरोपी आणि त्यापैकी एका आरोपीने त्याच्या मागे जाऊन त्यांच्या पॉकेटातील 2000 रुपये जबरदस्ती हिसकावून घेतले। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।